नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारे चैनल से और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आप भी मोबाइल से PDF फाइल बनाना चाहते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मोबाइल के माध्यम से आप PDF फाइल कैसे बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। आपको किसी भी एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में लोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में ऐसे फीचर्स दिए होते हैं जिसके माध्यम से आप जो है बहुत ही कम समय में PDF फाइल को बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप PDF फाइल किस तरह से बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस PDF फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और बिल्कुल आपको नए सिरे से बताता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो है गूगल ड्राइव नाम का एप्लीकेशन दिया होगा। आप देख पा रहे हैं इसका ये लोगो है। आपको इसी गूगल ड्राइव पर आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है। और यहाँ पे बॉटम साइड पे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस का निशान है। इसी प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो स्कैन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोबाइल कैमरा ऑन हो चुका है। और इसके बाद जिस भी आपके डॉक्यूमेंट का आपको PDF फाइल बनाना है, सिंपली आपको उसका फ़ोटो खींच लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर का एक नोट की कॉपी है, मैं इसका फ़ोटो यहाँ पे खींच लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पहला फ़ोटो खींच रखा है। और इसके बाद यहाँ पे जो ओके है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने स्कैन कर लिया है। दोस्तों, अगर आप एक से ज़्यादा फ़ोटो अगर स्कैन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसका फ़ोटो खींचना होगा। अब अतिरिक्त फ़ोटो अगर आप जोड़ना चाहते हैं, अतिरिक्त आप स्कैन कॉपी बनाना चाहते हैं, तो जो प्लस का निशान है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते कैमरा एक बार पुनः ओपन हो जाएगा, और एक बार पुनः आपको जो है यहाँ से कैमरे से फ़ोटो खींच लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच लेता हूँ। जैसे फ़ोटो खींचेंगे तो पुनः आपसे पूछा जाएगा ओके तो या रिट्राई, आप सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दो फ़ोटो खींच रखा है, दो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रखा है। दोस्तों, इसी तरह से आप और भी अतिरिक्त अगर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं तो आप स्कैन कर सकते हैं। फाइनली आपको यहाँ पर जो सेव बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगला जो विंडो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपको जो स्कैन जो डॉक्यूमेंट है जिसका आप PDF बनाना चाहते हैं, उसका आप क्या नाम देना चाहते हैं, आपको यहाँ पे नाम देना है। तो मैं यहाँ पे जो PDF फाइल है उसका नाम लिख देता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ कंप्यूटर आ चुका है, और इसको मैं यहाँ पे Chapter 1 कर देता हूँ। Chapter 1 यहाँ पे फ़ोटो लिख देता हूँ, PHOTO। स्कैन करके उसका PDF फाइल बनाया, तो मैंने यहाँ पे नाम भी बिल्कुल वैसे रख दिया है। और फाइनली आपको यहाँ पे बॉटम पे आना है, और यहाँ पे जो सेव दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं जो भी मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था वो यहाँ पे हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था वो हमारे इस गूगल ड्राइव में अपलोड हो रहा है, और अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक PDF फाइल में ही बनेगा। और फाइनली इस फाइल को हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये निर्भर करेगा कि हमारे इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो फाइनली आप यहां पे देख पा रहे हैं PDF फाइल बनके तैयार हो चुका है। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने फ़ोटो खींच के स्कैन करने के बाद PDF फाइल बनाया था, आप देख पा रहे हैं यहां पे PDF फाइल आ चुका है। हम इसको चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसको जहां भी चाहें हम शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।